हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। तो ट्रायंगुलर वेव हम लोग दो टाइप से जनरेट कर सकते हैं, एक है स्क्वायर वेव का यूज़ करके, स्क्वायर वेव जनरेटर का यूज़ करके, दूसरा है हमारा कंपैरेटर और इंटीग्रेटर का यूज़ करके। पहला तरीका है स्क्वायर वेव जनरेटर और इंटीग्रेटर का यूज़ करके। इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक स्क्वायर वेव जनरेटर लेते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं एक इंटीग्रेटर से। तो जब स्क्वायर वेव जनरेटर क्या आउटपुट देगा, स्क्वायर वेव सिग्नल देगा, ठीक है। तो प्लस वी सेट और माइनस वी सेट के बीच में वो एक स्क्वायर वेव सिग्नल हमको जनरेट करता है। इस सिग्नल को मैं अप्लाई कर देता हूँ इंटीग्रेटर में। तो आपको पता है कि स्क्वायर वेव का जो आउटपुट रहता है या इंटीग्रेशन का आउटपुट रहता है वो रहेगा एक ट्रायंगुलर वेव। तो स्क्वायर वेव को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे को मिलता है एक ट्रायंगुलर वेव। दूसरा जो तरीका है वो है ट्रायंगुलर वेव यूजिंग कंपैरेटर एंड इंटीग्रेटर, ठीक है। अब इस तरीके को हम लोग को देखते हैं कि ये कैसे काम करता है ये वाला मेथड। इसमें हमारे पास दो ओपैम है, ओपैम नंबर वन ए वन कंपैरेटर है, ओपैम नंबर टू जो है वो इंटीग्रेटर है। तो जो कंपैरेटर है वो दो इनपुट को कंपेयर करने का काम करता है। जब इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट ज़्यादा होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से तो आउटपुट माइनस वी सेट देता है, और जब नॉन इन्वर्टिंग का टर्मिनल का इनपुट जो रहता है या वोल्टेज जो रहता है ज़्यादा होता है इन्वर्टिंग से तो जो आउटपुट रहता है वो प्लस वी सेट मिलता है। इस कंपैरेटर में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज कनेक्टेड है वी पी और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज कनेक्टेड है जीरो वोल्ट वी टू जो कि जीरो वोल्ट पे है, ठीक है। सो ये कंपेयर करेगा ये कंपेरेटर वी पी को वी टू से, यानी कि वी पी को कंपेयर करेगा जीरो वोल्ट से। जब वी पी ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो वी नॉट डैश मेरे को मिलेगा प्लस वी सेट, और जब वी पी लेस देन जीरो मिलेगा तो वी नॉट डैश मेरे को मिलेगा माइनस वी सेट, ठीक है। अब ये वी पी की वैल्यू कैसे आएगी, तो ये वी पी क्या होगा, तो देखो वी पी यहाँ पर कनेक्टेड है, वी पी एक पॉइंट कनेक्टेड है वी नॉट डैश से, वी पी का दूसरा हिस्सा कनेक्टेड है वो है वी नॉट से। इस पॉइंट पे मैं वोल्टेज लेता हूँ वी पी इस वी पॉइंट पे। तो अगर मैं यहाँ पे केसीएल अप्लाई करूँ तो वी पी माइनस वी नॉट डैश, वी पी माइनस वी नॉट डैश बाई आर थ्री प्लस वी पी माइनस वी नॉट बाई आर टू, या आएगा वी पी माइनस वी नॉट बाई आर टू वी पी माइनस वी नॉट डैश बाई आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो वी पी की वैल्यू हो जाती है वन अपॉन आर टू प्लस आर थ्री, आर टू वी नॉट डैश प्लस आर थ्री वी नॉट, ये वैल्यू आ जाती है वी पी की। अब हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं जब वी नॉट डैश की वैल्यू प्लस वी सेट रहेगी, जब वी नॉट डैश की वैल्यू प्लस वी सेट रहेगी तो ये वी नॉट डैश इनपुट बन रहा है किसका, इंटीग्रेटर का। तो जब मैं इंटीग्रेटर को प्लस वी सेट इनपुट दूंगा तो मेरे को एक नेगेटिव गोइंग रैम सिग्नल मिलेगा, और जब मैं वी नॉट डैश मेरा माइनस वी सेट रहेगा तो मेरे को एक पॉजिटिव गोइंग रैम सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटर का आउटपुट क्या है, वी नॉट। तो वी नॉट या तो पॉजिटिव गोइंग रैम्प होगा या तो नेगेटिव गोइंग रैम्प होगा। जब मेरा वी नॉट डैश प्लस वी सेट रहेगा तो नेगेटिव गोइंग रैम्प, जब मेरा वी नॉट डैश माइनस वी सेट रहेगा तो पॉजिटिव गोइंग रैम्प। और वी नॉट डैश को प्लस माइनस वी सेट में कौन कन्वर्ट कर रहा है, वी पी। जब वी पी पॉजिटिव होगा तो वी नॉट डैश प्लस वी सेट रहेगा, जब वी पी नेगेटिव होगा तो वी नॉट डैश जो रहेगा वो मेरा माइनस वी सेट होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। ये इसका वेव फॉर्म है, ठीक है। ये वी पी की वैल्यू है। इससे पहले हम लोग वर्किंग से पहले हम लोग एक चीज़ अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि वी सेट की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 14 वोल्ट, आर टू की वैल्यू ले लेते हैं 10 के, आर थ्री की वैल्यू ले लेते हैं 40 के, बस चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। आर टू की वैल्यू ले लिया 10 के, आर थ्री की वैल्यू ले लिया 40 के। इस केस में जो वी पी की वैल्यू रहेगी वो रहेगी वन अपॉन आर टू प्लस आर थ्री, या इसको बाद में लिखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले बाद में। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग कैसे काम करेगा ये, तो मैं एज्यूम करता हूँ पहला केस कि मेरा जो वी नॉट डैश है वो प्लस वी सेट पे सेट है। जो मेरा वी नॉट डैश है वो मेरा कहाँ सेट है, प्लस वी सेचुरेशन पे सेट है। जब मेरा वी नॉट डैश प्लस वी सेचुरेशन पे सेट होगा तो मेरा इंटीग्रेटर का आउटपुट क्या होगा, एक नेगेटिव गोइंग रैम, मतलब वी नॉट क्या होगा, एक नेगेटिव गोइंग रैम। इतना क्लियर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका वेवफॉर्म बना लेते हैं। जो मेरा वी नॉट है या वी नॉट डैश है वो प्लस वी सेट यानी कि प्लस 14 वोल्ट पे सेट है, और मेरा जो आउटपुट है वी नॉट वो एक नेगेटिव गोइंग रैम्प है, ऐसा, ठीक। यहाँ पे कुछ मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ मार्किंग कर लेता हूँ।
ये ले लेता हूँ -14 वोल्ट यानी कि -Vsat, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं -3.5, यहाँ पे एक वोल्टेज लेता हूँ मैं 3.5, ये रहता है +14 वोल्ट मेरा +Vsat। अब देखते हैं क्या होता है। तो हमने क्या एज्यूम किया है, जो हमारा वी नॉट डैश है वो +Vsat पे है, ये +Vsat पे आ गया मेरा वी नॉट डैश, ठीक है। जैसे ही मेरा वी नॉट डैश +Vsat यानी कि +14 वोल्ट पे आ जाएगा, इस इक्वेशन से यहाँ पे वी नॉट डैश की वैल्यू +Vsat यानी कि +14 वोल्ट रख देता हूँ, ये इसकी इसकी सब वैल्यू रख देता हूँ R2 R3 की, तो जो मेरा VP है उसकी वैल्यू आ जाती है 2.8 +0.8 वी नॉट। इस इक्वेशन में मैं वैल्यू रख दिया, इस इक्वेशन में वैल्यू रखने से मेरे को VP इतना मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा VP जो है वो मेरा आउटपुट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है वी नॉट के ऊपर, और जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, ये एक नेगेटिव गोइंग रैंप है ये, तो ये आउटपुट वोल्टेज लगातार नेगेटिव वोल्टेज बढ़ते जा रहा है आउटपुट वोल्टेज का। पहले 0 वोल्ट था, फिर वो -1 वोल्ट हुआ, फिर -2 वोल्ट हुआ, इस टाइप से मेरा आउटपुट वोल्टेज का जो नेगेटिविटी है वो बढ़ते जा रहा है। हम लोग एक चीज़ चेक करते हैं कि हमारा VP कहाँ पे जाके जीरो होता है, मतलब ये वोल्टेज किस वोल्ट आउटपुट की कौन सी वैल्यू के लिए मेरा VP जीरो होगा। इसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से, तो मेरे को यहाँ पर मिलता है V0 = -3.5, मतलब जब मेरा आउटपुट वोल्टेज -3.5 वोल्ट हो जाएगा तो वहाँ पर मेरा VP जीरो हो जाएगा। तो देखो मेरा ये आउटपुट वोल्टेज जो है लगातार कम होते जा रहा है, नेगेटिव उसका वोल्टेज बढ़ते जा रहा है नेगेटिविटी की तरफ। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरा आउटपुट वोल्टेज -3.5 तक पहुंच जाएगा। जैसे ही मेरा आउटपुट वोल्टेज V0 -3.5 में पहुंचेगा, मेरा VP का वैल्यू जो हो जाएगा जीरो, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा -3.5 से आगे बढ़ा, मेरा आउटपुट वोल्टेज जस्ट स्लाइटली आगे बढ़ा -3.5 से, तो मेरा जो VP है वो नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। जैसे ही VP लेस देन जीरो हुआ, मतलब इस पॉइंट पे देखिए VP की वैल्यू लेस देन नेगेटिव हो गई, ये वाला टर्मिनल का वोल्टेज कम हो गया, इस वाले टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा हो गया, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज आपका कम हो गया, इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा हो गया, तो उसी टाइम तुरंत V0 - की वैल्यू क्या पे चली जाएगी, +Vsat से सीधा जंप कर जाएगा ये -Vsat पे। हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले, जब VP की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो V0 - की वैल्यू कहाँ स्विफ्ट हो जाएगी, -Vsat पे। तो तुरंत ही मेरा V0 - +Vsat से कहाँ स्विफ्ट हो गया, -Vsat पे, ठीक है। तो ये आ गया अब मेरा -Vsat। अब क्या होगा, कंडीशन नंबर टू, ओके, कंडीशन नंबर टू में देखते क्या होता है। कंडीशन नंबर टू क्या है कि हमारा V0 अब किस में चला गया है, -Vsat में, यानी कि -14 वोल्ट में। जैसे ही मेरा V0 -Vsat पे जाएगा, मेरा जो VP का वैल्यू रहेगा इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मेरे VP का वैल्यू हो जाएगा -2.8 +0.8 V0। अब इस केस में मेरा VP का वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा -2.8 +2.0.8 V0, क्योंकि VP जो रहेगा इन दोनों के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, V0 और V0 के ऊपर, ठीक है। तो अभी VP का वैल्यू, इससे पहले क्या था, ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा था VP, क्योंकि यहाँ पे V0 की वैल्यू +Vsat थी। जैसे ही V0 की वैल्यू +Vsat से -Vsat में चेंज हुई, तो VP का वैल्यू भी शिफ्ट हो जाएगा इस इक्वेशन पे, ठीक है। और हमारा जो सर्किट था, जो हमारा वेव फॉर्म था, वो इतना बना हुआ था, ये हमारा वेव फॉर्म था, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मेरा V0 -Vsat पे सेट होगा, तो ये इंटीग्रेटर का इनपुट जो हो गया वो क्या हो गया, -Vsat। हमने स्टार्टिंग में देखा था जब हमारा इंटीग्रेटर का इनपुट -Vsat हो जाएगा, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव गोइंग रैंप सिग्नल देगा। अब ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या करेगा, पॉजिटिव गोइंग रैंप सिग्नल देगा। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज अब पॉजिटिव गोइंग रैंप सिग्नल देना चालू करेगा, मतलब अब ये सिग्नल ऐसा जाएगा, यहाँ तक तो चला गया था आउटपुट वोल्टेज, अब यहाँ से पॉजिटिव गोइंग रैंप सिग्नल मिलने चालू होगा। पॉजिटिव गोइंग रैंप सिग्नल मिलेगा तो ये आउटपुट वोल्टेज धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जाएगा। पहले कहाँ तक आ गया था, ये -3.5 तक, अभी -3.5 से ज़्यादा होते जा रहा है। एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसा आएगा कि मेरा आउटपुट वोल्टेज 3.5 वोल्ट पे पहुँच जाएगा, +3.5 वोल्ट पे। जब मेरा आउटपुट वोल्टेज +3.5 वोल्ट पे पहुँचेगा, तो इस इक्वेशन से देखो मेरा VP वैल्यू जीरो हो जाएगा, दिख रहा है, इसमें +3.5 रखेंगे तो VP की वैल्यू जीरो मिलेगी। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसा आएगा कि मेरा आउटपुट वोल्टेज बढ़ते बढ़ते
प्लस 3.5 वोल्ट तक पहुंच जाएगा। जैसे ही प्लस 3.5 वोल्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, जैसे ही प्लस 3.5 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये जो वीपी की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। आप रख के देख लीजिएगा, 3.6 रख लेना इसमें, जैसे 3.6 रखोगे आउटपुट वोल्टेज वीपी का वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही वीपी का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो जो मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो गया यहाँ, क्योंकि यहीं पे वीपी अप्लाई हो रहा है, और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो जीरो वोल्ट पे है। मतलब अब केस क्या हो गया, वीपी इज़ ग्रेटर देन जीरो, मतलब वीपी इज़ ग्रेटर देन वी टू। जैसे ही वीपी इज़ ग्रेटर देन जीरो, वीपी जैसे ही पॉजिटिव हुआ, मेरा वी नॉट डैश कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस वी सेट से सीधा शिफ्ट हो जाएगा वो प्लस वी सेट पे। ठीक है, तो मेरा वी नॉट डैश अभी माइनस वी सेट पे था, अब कहाँ पे स्विच हो जाएगा वो प्लस वी सेट पे। तो ये देखिए तुरंत ही मेरा वी नॉट डैश माइनस वी सेट से शिफ्ट हो जाएगा प्लस वी सेट पे। ठीक है, जैसे ही मेरा वी नॉट डैश माइनस वी सेट से प्लस वी सेट में शिफ्ट हुआ, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया प्लस वी सेट। जैसे ही प्लस वी सेट हुआ, ये प्लस वी सेट इंटीग्रेटर के इनपुट में गया, मेरा इंटीग्रेटर का अब क्या आउटपुट होगा, निगेटिव गोइंग रैम, क्योंकि जब मेरे को इंटीग्रेटर को प्लस वी सेट मिलेगा तो मेरे को निगेटिव गोइंग रैम मिलेगा। अब मेरा जो है इंटीग्रेटर निगेटिव गोइंग रैम देना चालू करेगा। फिर ये निगेटिव गोइंग रैम दिया, एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसा आएगा कि जब मेरा वीपी का वैल्यू फिर से आपका निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही केस नंबर 3 देखते हैं, जैसे ही मेरा वी नॉट डैश का वैल्यू प्लस वी सेट में शिफ्ट हुआ, कहाँ शिफ्ट हुआ, वी नॉट डैश का वैल्यू प्लस वी सेट पे शिफ्ट हुआ, मेरा वीपी का वैल्यू हो जाएगा 2.8 प्लस 0.8 वी नॉट। याद रखिएगा, जब मेरा वी नॉट डैश प्लस वी सेट पे रहेगा वीपी का इक्वेशन ये रहेगा, जब मेरा वी नॉट डैश माइनस वी सेट पे रहेगा वीपी का इक्वेशन ये रहेगा। ठीक है, अब मेरा वी नॉट डैश कहाँ शिफ्ट हो गया है, प्लस वी सेट पे, तो वीपी कहाँ आ जाएगा 2.8 प्लस 0.8 वोल्ट पे। अब हम लोग का जो वेव फॉर्म था वो ऐसा था। ठीक है, एक सेकंड इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हम लोग का वेव फॉर्म था। ठीक है, ओके, तो अभी का कंडीशन क्या है, हमारा वी नॉट डैश प्लस वी सेट पे शिफ्ट हो गया है, और जो हमारा वीपी है उसका वोल्टेज ये हो गया है, और जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है, अब जैसे ही प्लस वी सेट मिलता है तो मेरा इंटीग्रेटर जो है निगेटिव गोइंग रैम सिग्नल देना चालू कर देता है। तो मेरा इंटीग्रेटर निगेटिव गोइंग रैम सिग्नल देना चालू किया। एक पर्टिकुलर कंडीशन फिर ऐसी आएगी कि मेरा इंटीग्रेटर का आउटपुट माइनस 3.5 वोल्ट तक पहुँच जाएगा। जैसे ही मेरा आउटपुट वोल्टेज माइनस 3.5 तक पहुँचा और उसे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ माइनस 3.5 से, वीपी फिर से निगेटिव हो जाएगा। जैसे ही वीपी निगेटिव हुआ, ये वी नॉट डैश फिर से शिफ्ट हो जाएगा मेरा माइनस वी सेट पे। जैसे ही वी नॉट डैश माइनस वी सेट पे शिफ्ट हुआ, वीपी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तुरंत माइनस 2.8 प्लस 0.8 वी नॉट, और मेरा जो इंटीग्रेटर का आउटपुट है वो फिर से पॉजिटिव गोइंग रैम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन चलते रहेगा। अब देखते हैं हम लोग इस वेवफॉर्म को। स्टार्टिंग में मैंने क्या अज्यूम किया था कि हमारा आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट पे है। ठीक है, यहाँ पे दो बनाए हुआ है, प्लस वी रैम और माइनस वी रैम। तो यहाँ पे प्लस वी रैम की वैल्यू है प्लस 3.5 वोल्ट, माइनस वी रैम की वैल्यू लिया है मैंने माइनस 3.5 वोल्ट, वी सेट की वैल्यू मैंने लिया हुआ है 14 वोल्ट और माइनस वी सेट की वैल्यू लिया है मैंने माइनस 14 वोल्ट। स्टार्टिंग में मैंने क्या अज्यूम किया कि हमारा वी नॉट डैश प्लस वी सेट पे है। जैसे ही हमारा आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट पे रहता है तो हमारा इंटीग्रेटर का जो आउटपुट रहता है वो निगेटिव गोइंग रैम रहता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटर एक निगेटिव गोइंग रैम सिग्नल दिया, ये निगेटिव गोइंग रैम सिग्नल बढ़ते गया, एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसे आया कि ये माइनस वी रैम यानी कि माइनस 3.5 वोल्ट तक पहुँच गया। जैसे ही मेरा इंटीग्रेटर माइनस 3.5 को क्रॉस करता है तो मेरा जो वीपी वोल्टेज रहता है, ये वाला वोल्टेज, ये निगेटिव हो जाता है, और उसके कारण मेरा वी नॉट डैश प्लस वी सेट से माइनस वी सेट में शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही मेरा वी नॉट डैश माइनस वी सेट में शिफ्ट हो जाता है, मेरा को जो आउटपुट रहता है वो पॉजिटिव गोइंग रैम मिलना चालू हो जाता है। पॉजिटिव गोइंग रैम मिलना चालू हो गया, अब ये रैम सिग्नल बढ़ते जा रहा है, मतलब वी नॉट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक कंडीशन ऐसा आता है कि मेरा वी नॉट प्लस वी रैम यानी कि प्लस 3.5 वोल्ट तक पहुँचता है। जैसे ही मेरा आउटपुट वोल्टेज प्लस 3.5 वोल्ट को क्रॉस करता है, मेरा जो वीपी रहता है निगेटिव से पॉजिटिव में चला जाता है।
जैसे ही मेरा वीपी पॉजिटिव होता है, यानी कि ये वाला वोल्टेज पॉजिटिव हो जाता है, मेरा आउटपुट वोल्टेज वी नॉट डैश कंपैरेटर का आउटपुट जो रहता है वो माइनस वी सेट से प्लस वी सेट में शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए क्या हो रहा है, जब भी मेरा वी नॉट डैश यानी कि कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो माइनस वी सेट में है, तो मेरा इंडिकेटर एक पॉजिटिव गोइंग रैम सिग्नल दे रहा है, और ये पॉजिटिव गोइंग रैम सिग्नल जब प्लस 3.5 वोल्ट तक पहुंच रहा है तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट डैश वो प्लस वी सेट से माइनस वी सेट से प्लस वी सेट में जा रहा है, ठीक है, माइनस वी सेट से आपके प्लस वी सेट में शिफ्ट हो रहा है। फिर अगर मेरा नेगेटिव गोइंग रैम जैसे ही यानी कि वी नॉट की वैल्यू जैसे ही आपके माइनस 3.5 को क्रॉस कर रही है तो मेरा प्लस वी सेट से आउटपुट वोल्टेज कहाँ शिफ्ट हो रहा है, माइनस वी सेट पे। तो इस टाइप से ये लूप चलते जा रहा है और मेरे को आउटपुट में एक ट्रायंगुलर वेव सिग्नल मिलते जा रहा है, ठीक है।